जो दुख आपको पहुंचाया जा रहा है, जो तकलीफ आपको पहुंचाया जा रहा है आज की सरकारों के जरिए से, ये काफी दिनों से हम खबरों में और दूसरे तरीके से सुनते आए हैं। उसकी डिटेल शायद साथियों ने दी कि मैं तो एक सदमे में था, एक छोटे भाई की अचानक डेथ हुई, उस वजह से नहीं निकल पाया था। और बल्ला साहब किसी डेलीगेशन डेप्टेशन के साथ 9-10 तारीख से दिल्ली, दिल्ली से फिर जम्मू, उस पार्टी के कार्यक्रम में मसरूफ थे। और परसों शाम को जब हम आपस में मिले तो उसी वक्त हमने तय किया कि सारे काम छोड़ के पहले हम अपने इन दुखी किसानों के पास पहुंचने की कोशिश करें, समस्या को समझें, और जहां कहीं भी आपको मदद की जरूरत है कांग्रेस पार्टी आपके साथ शाना बशाना रहेगी। और आज जिस तरह से वहां मौके पर भी देखा और जिस तरह से आपके रेजोल्यूशन में भी, मेमोरेंडम में भी सरपंच साहब ने डिटेल से बताया, मुझे इसमें बहुत ही अच्छा लगा कि एक तरफ आप दुख झेल रहे हैं, जैसे सुषमा ने बताया जमीन माँ के बराबर होती है, और जिन्होंने सदियां दहाइयां इस जमीन के साथ वाबस्तगी रखी हो, एग्रीकल्चर के बहाने, हॉर्टिकल्चर के बहाने, पशु चराने के बहाने, एक लगाव होता है, और उसको अचानक इस तरह से गैर जमहूरी तरीके से आपसे छीनने की कोशिश की जा रही है, उसको हम जबरदस्त पार्टी की तरफ से सरकार को और एक खूबसूरत बात यह भी लगी कि हम आलमी लेवल पर जब देखते हैं और रियासती लेवल पर जब देखते हैं कि आप उस चीज को भी चाहते हो कि वो बने। ये पक्षियों का, परिंदों का इंटरनेशनल आना जाना, वो इनका एक हिसाब से हवाई अड्डा है, ये इन कुदरत के बनाए हुए एयरक्राफ्ट्स का, ये समझो जैसे दुनिया में सिंगापुर तमाम दुनिया का एक सेंटर है, दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जहां का जहाज वहां नहीं उतरता है। उसी तरह से ये भगवान के बनाए हुए इन सारे परिंदों का अड्डा ये कुछ ही जगहों पर होता है, इनका पालन पोषण, इनकी बच्चा पैदा करने की, आबादी बनाने की जो इनकी जगह होती है वो आपके बीच में एक हिसाब से ये खुशकिस्मती है, वर्ल्ड जगह है। साड़ी पूरी कांग्रेस लीडरशिप मीर साहब जिन्हों के ब्रदर गुजरे दे 10 दिन नहीं हुए, उस तो पहले पूरी टीम लैके थोड़े बीच पुजन, उस हालात भी मद्देनजर रखते हुए ये एहसास दिलाने वास्ते कि उन्होंने आम लोगों के दुख दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल है, पहले आम लोगों की गल्लां सुनी जा सकन। और सुषमा मैडम बड़ी दलेर, बड़ी निडर और कांग्रेस की सिपाही के तौर पर काम करती है। चोरी ही किसी की? सोहरा साहब की फोन गया ही, मैं मुकर जाए तो मैं करना, इस करके उन्होंने दिनों ही। लेकिन सानू फकर है कि बड़ी जांबाज है, लेडी होने के नाते भी थोड़े लोगों की गल न चुकन वास्ते आवाज बुलंद करने वास्ते पूरा योगदान देती है, फकर महसूस करने कांग्रेस की लीडरशिप के बीच, और संक्षम है हर एक हालात का मुकाबला करने वास्ते। सारे साथियों ने, नेता ने, सरपंच साहब ने एक मेमोरेंडम के जरिए कुछ चीज़ा साढ़े च रखी, पूरे बार्डर की बड़ी परेशानी है, लेकिन तुम 2 तरीक तो अज तक लगातार धरने और प्रदर्शन बैठ रहे हो। सोचा सी प्रशासन जिहड़ा रियासती सरकार ते नहीं, प्रशासन किसी जगह लब्भा नहीं लोगों के दुख दर्द वंडन वास्ते, लोगों के उपर दुख का बोझ लादने वास्ते जरूर प्रशासन अगे रहिंदा, और उहे चीज़ जिहड़ी है घराना के लोग महसूस करे करदे, बर्दाश्त करे करदे। अज जरूरत है बदलाव की, और बदलाव का बिल्कुल असीं बचा चुके हैं मीर साहब की लीडरशिप के बीच,
प्रशासन बदलेगा, आम लोग, किसान, जवान, नौजवान, सारे लोग, बॉर्डर के रहने वाले लोग बड़े किस्म के परेशान, चाहे नौजवानों के रोजगार ना लो, चाहे अपनी जमीन बचाने का सिलसिला। साड़ी एक एक आवाज़, थोड़े एक एक लफज जो मेमोरेंडम च है, उस आवाज़ को बुलंद करने से मीर साहब की लीडरशिप कांग्रेस वचनबद्ध रहेगी, ताकि थोड़े मसायलों का समाधान हो सके, प्रॉपर तौर पर कंपनसेशन नहीं लैंड के बदले लैंड, और सारी मांगा के नाल असी लोग हमेशा थोड़े नाल खड़े रहेंगे। वक्त आएगा, मैं समझना कि थोड़े सारे साथियों ने हमेशा साड़ा कांग्रेस का साथ हमेशा दिता, और अज के दौर के उपर ये जड़े अंध भगत जिते थे बड़े बड़े मंत्री सन इस पार्टिया के लोग, अज लोग महसूस करते ना, अज वो लोग किस जगह च जिन्हों को मैंडेट से, अज वो कोई नहीं लभेगा। कांग्रेस एग्रेसिव रोल अदा करेगी, और थोड़े लोगों के नाल शाना बशाना चलते हुए कोई भी प्रोजेक्टा के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार को देखना भी वो प्रोजेक्ट जिदे लोगों का रोज़गार खत्म हो जाए, उस प्रोजेक्ट भी चले, लेकिन लोगों का रोज़गार जीने का साधन वह भी प्रॉपर तौर पर जरूरी है कि लोगों को देना। मैं अपने तरफों जिस तरह सारी पार्टी पूरी पार्टी मीर साहब अपने तकरीर क्योंकि इन्होंने श्रीनगर भी जाना, मैं समझना कि थोड़े सारे असि आ के थोड़े जज्बात भी देखे, वेटलैंड उस जगह च भी गए, कोशिश करांगे जल्दी तो जल्दी थोड़े हकों की रखवाली करने से, जिस तरह सारी टीम सरपंच साहब ने बहुत बेहतरीन रोल अदा किया, मैं भी जाति तौर के उपर इन्हों की प्रशंसा करना, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इन्होंने थोड़ी आवाज़ को दबड़ नहीं दिता।